मध्य प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों के परिणाम की घोषणा के बाद कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टी अपने अपने दावे कर रही हैं। इस बार पंचायत चुनाव नतीजे बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हुए। हालत यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में ही बीजेपी पंचायत चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सकी। उसने जिन प्रत्याशियों का समर्थन किया था वे चुनाव हार गए। ऐसे में सीहोर के परिणाम ने एक और जहां मुख्यमंत्री चौहान को चिंतित कर दिया है, वहीं विपक्षी पार्टी के चेहरे पर मुस्कान खिल गई है। विपक्ष के नेता लगातार बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोल रहे हैं। बता दें कि सीहोर जिला पंचायत में 17 वार्ड हैं। सीहोर शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है, लिहाजा यहां टिकट वितरण से लेकर प्रचार तक सीधे मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप रहता है। बता दें कि सीहोर के 17 सीटों में से 10 पर बीजेपी समर्थन उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। 7 सीटों पर ही बीजेपी समर्थक जीतने में कामयाब हो सके हैं, जबकि कांग्रेस ने 7 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र में बीजेपी की करारी हार पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है पंक्ति ट्वीट की है। मामू अब समझ लो, जनता सब समझने लगी है। झूठ बोलना बंद करो और विपक्ष को झूठे प्रकरणों में फंसाना बंद करो।